हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आर्य ट्रिक चैनल में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बतलाने वाला हूं कि पबजी बैटल ग्राउंड इंडिया किस तरीके से डाउनलोड करते हैं। जी हां दोस्तों, अगर आप भी पबजी बैटल ग्राउंड इंडिया का फ़ैन है और आप उसे डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ही खास और नॉलेजफुल और हमेशा के लिए यूजफुल होने वाली है। तो गाइस, वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, आप स्किप नहीं कीजिएगा, नहीं तो फिर आपको जो है स्टेप समझ में नहीं आएगा, तो फिर आप जो है पबजी बैटल ग्राउंड इंडिया का फ़ैन होते हुए भी आप जो है उसे डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। तो बिल्कुल वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आपका बिना टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग को हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल आर्य ट्रिक पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आपका बिना टाइम वेस्ट करते हुए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, पबजी बैटल ग्राउंड इंडिया को डाउनलोड करने के लिए तो सबसे पहले जो दोस्तों आपको क्या करना है, प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है। प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद दोस्तों, बिल्कुल आप ध्यान से देखिएगा दोस्तों, कोई फेक वीडियो नहीं है, मैं आपको रियल वीडियो बता रहा हूँ। तो प्ले स्टोर ओपन कर लेना है। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद आपको यहाँ सर्च बार का ऑप्शन मिलेगा, तो जस्ट आपको जो है सर्च बार पे टैप करके यहाँ पर आपको जो है लिख देना है बैटल ग्राउंड इंडिया। बैटल ग्राउंड बस यही लिख दीजिएगा तो आपके सामने जो है यहाँ आ जाएगा बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया। तो आपको जो है इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद जो है दोस्तों, आपके सामने इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा जिसमें आपको प्री रजिस्टर का ऑप्शन मिलेगा। तो अगर आपके भी फ़ोन में जो है यहाँ प्री रजिस्टर का ऑप्शन मिल रहा होगा तो आपको सिंपली यहाँ से जो है प्ले स्टोर को बैक कर देना है, यानी कि यहाँ से आपको जो है बैक चले जाना है। बैक चले जाने के बाद दोस्तों, आपको क्या करना है, प्ले स्टोर को लॉन्ग प्रेस करके रखना है। प्ले स्टोर को लॉन्ग प्रेस करने के बाद जो है आपके सामने तीन ऑप्शन मिलेगा, ऐप इन्फो, रिमूव एंड माई ऐप का। तो जस्ट आपको जो है ऐप इन्फो पे क्लिक कर देना है। ऐप इन्फो पे क्लिक करने के बाद जो है दोस्तों, आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। तो आपको सिंपली आपको यहाँ क्या करना है दोस्तों, स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। नीचे आने पर गाइज, आपको यहाँ सबसे नीचे में तीन ऑप्शन मिलेगा, तो सबसे राइट साइड में जो मिलेगा क्लियर डाटा, तो आपको क्लियर डाटा पे क्लिक कर देना है। क्लियर डाटा पे क्लिक करने के बाद जो है आपको क्लियर ऑल डाटा पे क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं क्लियर ऑल डाटा पे क्लिक कर देता हूँ। क्लियर ऑल डाटा पे क्लिक करने के बाद आपको ओके पे क्लिक कर देना है। ओके पे क्लिक कर देने के बाद जो है आपको यहाँ से बैक चले जाना है। इसके बाद फ्रेंड्स, आपको यहाँ क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। जैसा कि आप लोग को पता होगा कि सभी के फ़ोन में क्रोम ब्राउज़र एप्लीकेशन रहते हैं, तो सिंपली आपको क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। क्रोम ब्राउज़र को ओपन करने के बाद आपको यहाँ सर्च बार पर क्लिक कर देना है, बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया टाइप करके सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद फ्रेंड्स, आपको यहाँ स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। नीचे आने पर फ्रेंड्स, आपको यहाँ बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया का ऑप्शन मिलेगा, आपको जो है उस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने फिर से एक नया इंटरफेस देखने को मिलेगा। रजिस्टर या डाउनलोड का ऑप्शन 24 या 48 घंटा के अंदर आ जाएगा। इसके लिए आपको जो है 24 या 48 घंटा, 72 घंटा भी लग सकता है, इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। तो दोस्तों, इसी तरीके से आप पबजी बैटल ग्राउंड इंडिया को डाउनलोड कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, एक नई वीडियो मिलते हैं फिर एक नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए बाय।